आत्मा में देख रहा हूं, खुदावंद मुझे दिखा रहे हैं कुछ नई चीजें आपके घर में आने वाली हैं। बहुत सी नई चीजें आपके घर में जो चाहिए वो आने वाली है यीशु के नाम से। तो परमेश्वर का धन्यवाद कर दे और इन सब बहनों की गवाही जे ब्लेसिंग की गवाही है। और जैसे कि इनकी घर की जो जो भी ज़रूरत थी, तो जे सिस्टर्स एक अच्छा विश्वास कर रहे थे, एक अच्छा अंगीकार कर रहे थे कि परमेश्वर हमारी जो भी घर की ज़रूरत है, जो इन्हें घर की चीज़ें चाहिए थी, जो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर हमें दे चुके, जे लगातार ही धन्यवाद करते थे, प्रार्थना कर रहे थे। और आज खुदा ने इन्हें ब्लेस कर दिया है। और जैसे कि सिस्टर सरबजीत और चमुदल गांव के रहने वाले हैं, और जो बता रहे हैं कि काफ़ी समय से इनके जो परेशान थे क्योंकि इनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, और जैसे जो काफ़ी परेशान रहते थे, पर लगातार जब भी विश्वास कर रहे थे और धन्यवाद कर रहे थे कि परमेश्वर हमें दे चुके। और जो बता रहे कि जब परमेश्वर के दास के द्वारा 13 अक्टूबर की मीटिंग में परफेक्टिक वर्ड परमेश्वर ने दिया कि जिनको जो भी ज़रूरत है, जिनके घर में कुछ नई चीज़ें आ रही है, तो परमेश्वर ने अपने दास को अगुवाई की। तो पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। आत्मा में देख रहा हूं, खुदावंद मुझे दिखा रहे हैं कुछ नई चीजें आपके घर में आने वाली हैं। बहुत सी नई चीजें आपके घर में जो चाहिए वो आने वाली है यीशु के नाम से। और जो बता रहे हैं कि जब इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया और जो धन्यवाद दे रहे थे, लगातार विश्वास कर रहे थे कि अभी तो परमेश्वर ने अपने दास को हमारे लिए इस्तेमाल किया है, हमें वर्ड भी दे दिया है कि आपके घर में कुछ नई चीज़ें आने वाली है। तो जैसे जो विश्वास कर रहे थे, जो सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है और जो मोदल गांव के रहने वाले, तो जो बता रहे कि काफ़ी समय से इनके घर में इन्हें वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी और जिसके लिए विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर अब हमें दे चुके। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया था, और जब बता रहे कि अभी 2 दिन पहले ही परमेश्वर ने इन्हें वॉशिंग मशीन के साथ ब्लेस किया है। और सेकंड मान खेरे से सोनिया सिस्टर, और जो बता रहे कि 1.5 साल हो गया था इनको, इनकी बहुत चाहती कि इनके घर में बाइक हो, इनके हस्बैंड की भी चाहत थी। और जो बता रहे कि जब भी लगातार पॉजिटिव विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर आप हमें बाइक के साथ ब्लेस कर चुके हो, और जो बता रहे कि जब भी जो लेने के लिए कोशिश करते, तो जब बता रहे कभी कभी इनके इनके पास पैसे नहीं होते थे, कभी पैसों का इंतज़ाम नहीं होता था, अगर पैसे इनके पास होते तो फिर कोई ना कोई जब बता रहे रुकावट आ जाती थी। तो जिसके कारण 1.5 साल हो गया था जे सोच रहे थे, पर जब बता रहे कि जे ले नहीं पा रहे थे, और पर जे एक अच्छा विश्वास करते थे कि परमेश्वर आप हमें ब्लेस कर चुके हो। और जब बता रहे कि जब भी जो चर्च आते थे, उस समय भी जो अच्छा अंगीकार करते थे कि हम अपनी बाइक से ही चर्च जा रहे हैं। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने भी इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया, तो जब बता रहे कि आज परमेश्वर ने भी इनको नई बाइक के साथ ब्लेस कर दिया है। और जो बता रहे हैं थर्ड जो सिस्टर पिंकी है और जो मोदल पट्टे पर रहते हैं, और इनकी गवाही जो है, जो सिस्टर बता रहे कि 2 साल हो गए थे और इनके इनके घर में तख्त पोश थे जहाँ 4 पाई थी, तो जिसके कारण जी काफ़ी परेशान रहते थे कि हमारे घर में भी बेड होने चाहिए, और जो लगातार ही विश्वास करते थे, और जो बता रहे कि जब भी जो मीटिंग को अटेंड करते थे, उस समय भी जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर आप ही हमें बेड दे चुके हो, जो बता रहे कि पैसों के कारण इनसे इंतज़ाम नहीं हो रहा था, और इस सिस्टर की तो बहुत ज़्यादा जो बता रहे कि चांद थी, और जो बता रहे कि जो बार बार ही परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना को लेकर जाते थे, प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर अब हमें बेड दे चुके हो, और 2 साल हो गए थे कि जो विश्वास कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। और जो बता रहे जब परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो परफेक्टिक वर्ड दिया, तो जो बता रहे कि उस दिन जो सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि अभी तुझे
जब वर्ड परमेश्वर ने स्वर्ग से खुदा ने अपने दास को हमारे लिए दिया है तो सच में परमेश्वर में हमारे घर में जैसे खुदा ने बोला है कि नई चीज़ें आने वाली है तो सच में परमेश्वर में ब्लेस कर चुके और जब बता रहे कि जैसे अंगीकार कर रहे थे और जब बता रहे कि आज खुदा ने भी इन्हें न्यू बेड के साथ ब्लेस कर दिया है तो सच में कलीसिया जो कि इनकी चाहत थे लगातार जो विश्वास कर रहे थे धन्यवाद कर रहे थे जो इनकी घर की जो जो भी जरूरत थी तो जैसे जो पॉजिटिव विश्वास कर रहे थे धन्यवाद कर रहे थे आज खुदा ने अपने दास को जो स्वर्ग से वचन दिया है तो आज परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है तो इस ब्लेसिंग के लिए हम सब जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया सच में कलीसिया ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि जिस सिस्टर के पास बेड नहीं थे वो 2 साल से चाहत कर रहे थे और सच में आज खुदा ने उनकी चाहत को पूरा किया है और जिनके पास बाइक नहीं थी वो भी सिस्टर उनकी फैमिली 1.5 साल से विश्वास कर रही थी पर आज वो परमेश्वर ही अपने दास को आपके लिए इस्तेमाल करें और सच में खुदा ने आज इन्हें अपनी बड़ी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया है जोर से कलीसिया तारीफ करे कितने लोग आज खुश हैं अपनी ब्लेसिंग के लिए भी तारीफ करें और इनकी ब्लेसिंग के लिए भी ऑनलाइन भी जोर से तारीफ करें इन सब की आपने आज गवाही सुनी सुनी है ना सुनी गवाही ना सबने इनकी ब्लेसिंग की सुनी है ना एक बहन ये 1.5 साल से अपनी उस चीज का विश्वास कर रही थी जो सेंटर में जो काले दुपट्टे वाली ये 1.5 साल से विश्वास कर रही थी और आप कितने साल से 2 साल से समझ आ रही है और आप मेरी बहुत देर से चाहत थी बड़े देर तो इन्ना दे भी चाहत सी पर इतनी देर से इनकी सबकी चाहत थी और विश्वास भी कर रहे थे प्रार्थना को भी रिसीव कर रहे थे और एक अच्छा अंगीकार भी कर रहे थे जो यहां पे आपको ये पॉजिटिव ज्ञान दिया जाता है ये सब चीजें कर तो रहे थे पर परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे लोग हैं मेरे बच्चे हैं जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम ऐसा नहीं करते अगर तुम्हारा बच्चा रोटी मांगे तो तुम पत्थर दो अगर मछली मांगे तो सांप दो अगर अंडा मांगे तो वो बिच्छू दो तुम कहता बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो वो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो जानता है तुम्हें क्या चाहिए पर फिर भी उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा ये सारे चाहत में थे विश्वास में थे क्या थे बोलो ये चाहत में थे विश्वास थे कि परमेश्वर में दे चुका और जब हम चाहत में और विश्वास में रहते हैं तो परमेश्वर फिर स्वर्ग से देता है क्या बोलो कितने समय से विश्वास कर रहे थे ना अब कर रहे थे तो परमेश्वर जानता था ये मेरे बच्चे और मैंने क्या देना अब देखो उनको बाइक मिला उनको वॉशिंग मशीन मिली उन्हें बेड मिला अगर इसको कोई बहुत अमीर बंदा सुने तो बोलेगा ये कौन सी बड़ी बात है बेड मिल गया वॉशिंग मशीन में हाँ जो लाखों करोड़ों की उसको कोई परवाह नहीं है बहुत अमीर बंदा है तो वो सोचेगा ये क्या है बेड मिल गया बाइक मिल गई वॉशिंग मशीन मिल गई ये तो बड़ी सिंपल सी बात पर एक गरीब बंदे के लिए बहुत बड़ी बात बोलो क्या है एक गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है छोटी नहीं इनको पूछकर देखो जो कितने खुश हैं बोलो क्या है कितने खुश हैं सवाल ये नहीं है कि आज परमेश्वर ने उन्हें बाइक दी उन्हें वॉशिंग मशीन दी बेड दी अगर हम इसी तरह से उस परमेश्वर के साथ वफादारी से प्रेम से विश्वास से चलेंगे तो आने वाले दिनों में बाइक वाले को गाड़ी दे सकता है बेड वाले को पता नहीं कितनी घर की कितनी बड़ी बड़ी चीजें दे सकता है कितना बड़ा घर दे सकता है हाँ उसी तरह से उनको भी वो सब कुछ दे सकता है कि नहीं
अगर वो ये दे सकता है तो और भी बड़ी आशीषें वो देने की सामर्थ्य वो ताकत रखता है कि नहीं रखता? दे सकता है, दे सकता है, पर देता नियम से। बोलो क्या है? देता नियम से। और जैसे जैसे जी जैसी जो जरूरत सी, क्योंकि बच्चे में लगा जब हम इच्छा के अनुसार मांगते हैं, यूहन्ना की पहला यूहन्ना में लिखा है, बोलोगे जब हम इच्छा के अनुसार मांगते तो हमें मिलता भी। क्या मिलता है? जब हम इच्छा के अनुसार मांगते हैं ना तो हमें मिलता भी। तो इनकी जरूरत थी और परमेश्वर ने अपना वचन देकर इनकी घटी को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। मेरा ये तुझे तो बोल दे, सब कुछ हो जाना है। मेरा ये तुझे तो बोल दे, ओ दे लहू दे विच हरे हाय, ओ दे लहू दे विच हरे हाय, ओ दे लहू दे विच हरे हाय, ओ दे लहू दे विच हरे हाय। सब कुछ हो जाना है, मेरा ये तुझे तो बोल दे। Yeah, you do.